डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. खुद पर हिम्मत रखो और उठो. कम ऑन. यूपी की वासी कुत्ते बड़े चौहासी. कम ऑन. वेरी गुड. कम ऑन. शुरुआती झटकों के बाद अतिथि जोड़ी खेल में जबरदस्त वापसी करती हुई दिखाई दे रही है. Come on, come on. आरोही जो फल की तरह टपक गई थी, अब रुई की तरह उड़ उड़ कर एक बादल से दूसरे बादल पर छलांग लगा रही है. शाबाश शाबाश आरोही. अरे ये तो जीतने वाली है. भैरानी रे कुछ करो. अब ये क्लाउड साइज की तरह हार्ड नहीं बल्कि कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएंगे. हो रहा है. बादलों के पार प्रतियोगिता को आधा पार करने के बाद अचानक ना जाने क्यों आरोही इस तरह संघर्ष कर रही हैं, जैसे वो किसी दलदल में धस रही हो. बिंदुखा तक की दूरी पूरी कर ली है और अब समय है उनके जोड़ीदार विवान अपने हिस्से की दौड़ पूरी करें. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विवान को भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बादलों पर नहीं बल्कि शहद की नदी पर दौड़ लगा रहे हों. लेकिन फिर भी विवान धीरे धीरे अपनी हिम्मत और साहस का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं. और वो अपना कीमती समय गवाते हुए नजर आ रहे हैं. अकल और मन, तुम चालबाजी करके ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते. ये नियमों के खिलाफ है. हमने कोई छल कपट नहीं किया बालपरी. हम तो यही आपके सामने खड़े हैं. अकल और मन ने 2:30 में रेस कंप्लीट की थी. मेरे पास बहुत कम समय बचा है. प्रतियोगिता रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है. ऐसा लगता है छोटा बालवीर बड़ा कारनामा दिखा देगा और अकलमंद को हरा देगा. और ये क्या, छोटे बालवीर का पैर बादलों से फिसला और वो नीचे खाई में गिर गया. इसका मतलब अकल और मंद पहली प्रतियोगिता में जीत गए. नहीं नहीं देवजू और सज्जनों, विमान नीचे नहीं गिरे, वो तो वापस ऊपर आ रहे हैं जैसे कोई उगता हुआ सूरज हो. लेकिन भालपरी, ये तो टोटल चीटिंग है ना. मैं जानती हूँ
लेकिन ये चालबाजी अकल और मन ने नहीं की है, तिमनासा ने की है। तुम दोनों बस प्रतियोगिता पर ध्यान रखो। लेकिन बालपरी, अगर गेम्स ही अनफेयर होंगे तो हमारे जीतने के चांसेस वीक होते जाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। असली विजेता वही होता है जो हर मुसीबत, हर जालसाजी के सामने हार नहीं मानता। हिम्मत रखो। यस विवान, बालपरी इज राइट। अभी भी हमारे पास दो गेम्स और बाकी हैं, सो होप मत लूज करो। लेकिन अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो हम पार्टनर को नहीं बचा पाएंगे। विवान, परिणाम की चिंता मत करो, अपना पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर लगाओ। ओके, सो चलो आरोही, बुराई की टीम को धो डालते हैं। प्रतियोगिता और उसके बाद छोटे बालवीर को पत्थर का बनाकर सजावट में रखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जरूर जीतेंगे। और वैसे भी पृथ्वी वाले बच्चों की हमसे क्या टक्कर? टक्कर मारने वाली कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है भैया? अभी सवाल मत पूछो और जीतने पे ध्यान दो। बहुत खूब रे, बहुत खूब। हमें किसी भी तरह अकल और मन की अगली प्रतियोगिता में भी जीत दिलानी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बालवीर बच्चों को ही डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड दिखा के चला गया हो? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। हमारे कारण? यस, क्योंकि तुम दोनों बैड बच्चे हो और तुमने ही बालवीर को बुलाया था। क्या बोलो तूने? फिर से तो बोल। क्या बोल? बोलने की क्या जरूरत है? तू खुद ही प्रूफ करिए कि तू सबको धमकी देती है। मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि चिंटू चिंटी जैसे नॉटी बच्चों ने बालवीर को बुलाया, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। हाँ। अब तक तो अनन्या या परियों को पता चल जाना चाहिए था कि पृथ्वी पर बालवीर ने बच्चों से बुरा व्यवहार किया। चिंटी, बालवीर के सजीव व्यवहार को समझने के लिए जैसे ही अनन्या परियों से संपर्क करेगी, तुरंत वो परीक्षा यंत्र चुरा लूंगा। लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे अनन्या को सामने आना ही पड़े। बालवीर, बाय गॉड, हमने बालवीर को दिल से बुलाया भी नहीं, तब भी बालवीर आ गए। लगता है ये ना खुशी में सुधले का ही काम होगा। जो सजा दी ने आप उन्हें दीजिए। खुशी दीदी, बालवीर हमारी तरफ इतने एंग्रीली क्यों आ रहा है? अगली प्रतियोगिता का नाम है कठिन लक्ष्य। इस खेल के नियम ये हैं कि खिलाड़ियों को जादुई घोड़े पर उल्टी दिशा में रोलिंग डिस्क पर चलते हुए ट्रैवलिंग डार्ट पर एम करना होगा और जिस खिलाड़ी का निशाना चूकेगा उसका साथी उबलते पानी की कढ़ाई में नीचे उतारा जाएगा। मुझे उबलते पानी से बहुत डर लगता है विवान, सो प्लीज ऑल द बेस्ट। समय समाप्त होने के बाद जिसका साथी पानी से ज्यादा ऊपर होगा उसकी टीम को जीत मिलेगी। इस प्रतियोगिता में मैं तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह से हराऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे हराया नहीं था, मैं खुद गलती से गिर गया था, सो बाय डिफॉल्ट तुम जीत गए थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। We'll be right back.
पूरी एकाग्रता के साथ अपने निशाने पर नजर बढ़ाए हुए हैं। और यह उनका तीर कठिन लक्ष्य की तरफ गया 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 और निशाना चूक गया और उनकी इस चूक का भुगतान मंद को झेलना पड़ेगा। वो उबलते पानी की तरफ एक कदम नीचे खिसक गए हैं। अब अकल दूसरा तीर धनुष पर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार उनका तीर निशाने को चीर के निकल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अगला तीर भी लक्ष्य पर लगा है। बहुत अच्छे। अकलमंद इस प्रतियोगिता में तेजी से बढ़त बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे दो तीर ज्यादा वार करने होंगे, तभी मैं जीत पाऊंगा। और अब विवान भागते घोड़े की पीठ पर बैठकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। बालवीर, अब तुम्हारे इन एरोज के लिए मैं फेवरेबल वेदर भी बना देता हूँ। अचानक आए हवा के झोंके के कारण विमान का तीर निशाने से बहुत दूर जाकर गिर गया है और उनकी जोड़ीदार आरोही खोलते पानी के करीब पहुंच गई है। विमान, तू एक ढंग से एरोज चलाओ। आफ्टर ऑल मेरी और बालवीर की लाइफ का क्वेश्चन है। ये तीर इतने दूर कैसे चला गया? मैंने निशाना तो सही लगाया था। अभी तो समय समाप्त होने वाला है, जबकि अब तक विवान का एक भी तीर लक्ष्य पर नहीं लगा। अगर इस बार भी विवान से चूक हो गई तो बेचारा विवान, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके पास। क्योंकि अगर ये गेम छोड़ेगा तो बालवीर की लाइफ जाएगी, और अगर ये गेम खेलेगा तो आरोही की लाइफ जाएगी। बालपरी, क्या मुझे अब रिस्क लेना चाहिए? विवान, जो खुद पर भरोसा रखते हैं, उसके सामने कठिन से कठिन हालात भी हार मान लेते हैं। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मुश्किल की बहुत ही कठिन घड़ी है। उनके हाथों में आरोही की जान और वीर रोग की शान है। अगर वो चूके तो ये दोनों चले जाएंगे। सिर्फ अपनी आंखों पर ही नहीं, बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर भी ट्रस्ट करना होगा मुझे।
लगता है छोटे बालवीर ने हार के दबाव में आकर बहुत ही गलत निशाना लगा दिया है। उनका तीर निशाने से बहुत दूर जा रहा है। अब तो मेरा दामाद बनने वाला है। यस! विवान! शाबाश विवान, शाबाश। विवान अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पूरे जोश खरोश के साथ दिखा रहे हैं और आखिर कुछ पलों में एक साथ तीन तीर निशाने पर दाग रहे हैं। विवान, तो 5 सेकंड में 3 निशाने कैसे लगाओगे? छोटे बालवीर ने पलट दिया है और वो इस प्रतियोगिता को जीत गए हैं। तिमनासा, अब अगली प्रतियोगिता में भी परिणाम तुम्हारे उम्मीद के परे जाएगा। देख लेना, अब बहुत ही जल्द हम बालवीर को फिर से हासिल कर लेंगे। तुम सब बच्चों का ठेका नहीं लेकर रखा मैंने। पर बालवीर, आपका तो यही काम है, गुड बच्चों की हेल्प करना। यही तो समस्या है, इसलिए आज से गेम चेंज होगा। रियली? ऑफ कोर्स, आज के बाद बुरे बच्चे नहीं अच्छे बच्चों को सजा मिलेगी। क्या? रियली? वाओ, आज तो मेरे लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है। एक दिन नहीं बेटा, आज से बुरे बच्चों के लिए उनकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भरी होगी। कैसे कैसे? अपना हाथ आगे कर। है? लेकिन बालवीर, हम इसका क्या करेंगे? हाँ, इन रंगों की मदद से तुम इन अच्छे बच्चों के चेहरों पर जोकर बना दो। क्या? सच में बालवीर? ऑफ कोर्स, 100% श्योर, क्योंकि आज से सिर्फ बुरे बच्चों का राज चलेगा। यस! अब दोनों ही पक्ष के पास एक एक अंक है। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। अरे ये मंद है ना, सच में मंद है। अरे ये बिना रजिस्टर्ड घोस्टों ने झाड़ू क्यों लगा रहा है? साफ सफाई करने के लिए किसकी आज्ञा चाहिए? अरे मोनी, साफ सफाई करने वाला झाड़ू नहीं है तो? ये उड़ने वाला झाड़ू है। ओ। इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई सदस्य बिना झाड़ू के अंतिम रेखा पहुंचेगा, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक नियम है। इस उड़न झाड़ू दौड़ के लिए दोनों पक्ष के खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीतने के लिए भी
और दूसरों को गिराने के लिए भी। लेकिन आरोही के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। वो क्या हुआ? जब मेरा भाई मंद बिना कल के खेल रहा है तो आरोही बिना शक्ति के क्यों नहीं? लेकिन ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। डर गई क्या बाल परी? टिम्मी आंटी, डरिए आप। अरे रिलैक्स पीपल, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। भले मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास करेज है। आई एम रेडी। बहुत खूब, तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अभी तक तो खेल बराबरी का है। इस अगली रेस पर बड़े बालवीर की जिंदगी निर्भर करती है, और मैं आरोही और छोटे बालवीर को नहीं जीतने दूंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.